हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड। तो आज हम कस्टर्ड बनाएंगे। व्यूअर्स, आज मैंने कस्टर्ड बनाना था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। तो सबसे पहले हमने एक पतीली में 1/2 kg दूध डाल लिया। दूध डालने के बाद हमने फ्लेम ऑन किया। दूध हल्का गर्म हो चुका है, दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। बॉयल आने तक हम कस्टर्ड को मिक्स करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने रिफाइन का कस्टर्ड लिया है। आप किसी भी कंपनी का कस्टर्ड ले लें, मगर कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर में हो तो और ही अच्छी बात है। तो ये व्यूअर्स, 1/2 kg हमारा जो है मिल्क है उसमें हम 3 tablespoons कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें दूध ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने दूध में कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी ये लम्स जो हैं ये बिल्कुल भी इसमें ना रहे। अगर लम्स रहेंगे तो आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये हो गया हमारा कस्टर्ड मिक्स। तो व्यूअर्स, दूध को 3-4 जोश जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। हमने शुगर 1/2 kg है तो इसमें डालनी है 3 tablespoons। 3 tablespoons हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर डालने के बाद हमने आंच को मीडियम किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से हल हो चुकी है, चीनी दूध में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। तो व्यूअर्स, हमने सारा कस्टर्ड जो है वो एक बार नहीं डालना, ये हमने थोड़ा सा डाला, उसके बाद हम इसे करेंगे मिक्स। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड जो है वो डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। अभी ज़्यादा थिक नहीं हुआ, जो हमारे पास थोड़ा सा कस्टर्ड बचा हुआ है मिक्स किया हुआ, हम वो भी डाल देंगे। हाँ, अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। जब तक 2-3 बॉयल नहीं आ जाएंगे तब तक हम कस्टर्ड में चम्मच जो है वो लगाते रहेंगे। Thank you.
तो अभी बस ये ग्रीन कलर का कस्टर्ड है इसलिए इसका कलर जो है ज़्यादा नॉमिनेट नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, है तो कस्टर्ड ही। तो व्यूअर्स हम 3-4 मिनट के लिए और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, हम इसे कच्चा नहीं रखेंगे। बाज़ लोग जो होते हैं कस्टर्ड को मिक्स करते हैं, 1-2 बार इस तरह से मिक्स किया और बस कस्टर्ड रेडी है। ऐसा नहीं, हम कस्टर्ड को ज़्यादा पकाते हैं, अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरह से पक भी जाए, उसके बाद ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, 5-6 मिनट जो है हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल गर्म है। 10-15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ते हैं ठंडा होने तक। ठंडा होने के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। कस्टर्ड हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, 15 मिनट तक हमने रखा था, हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हमने फ्रिज में रखा था, तो इस वजह से हम अब इसे डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर एप्पल हमने बारीक बारीक क्यूब्स में काटे हैं, एप्पल और बनाना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने एप्पल और बनाना जो स्प्रिंकल किए हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बंटीज़ और मीठी सौंफ। मीठी सौंफ हमें बहुत पसंद है, जिस वजह से हम कस्टर्ड पे मीठी सौंफ ज़्यादा डालते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो इसमें ये स्वीट्स जो हैं मैंने मिक्स कर दी हैं, स्प्रिंकल कर दी हैं। इसके बाद हमारे पास है खोपरा, तो हम सेंटर में थोड़ा सा खोपरा स्प्रिंकल करेंगे। खोपरा को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल बारीक फॉर्म में है। ये देखें व्यूअर्स, हमने खोपरा स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद बचे हुए जो एप्पल हैं वो भी हम इस तरह से सेंटर में स्प्रिंकल कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये हैं हमारे कस्टर्ड की फाइनल लुक। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये रेसिपी, मेरी काविश अच्छी लगी हो तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।